मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः महायुति के रूप में बनने वाली, हमारे सभी सहयोगी दल की अधिकांश सीटें हम जीत रहे हैं और जिस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं माननीय मोदी जी की नीतियों का असर हमको दिखाई दे रहा है। जैसे एक नकली माहौल बनाया गया था हरियाणा के समय भी और अंततः जनता माननीय मोदी जी के साथ रही, माननीय नड्डा जी के साथ रही, वही मैं यहाँ रिपीट होता देख रहा हूँ। मल्लिकार्जुन ने कहा कि आरएसएस को और बीजेपी को सांप की संज्ञा दी है, जहरीले सांप को कहा कि जिसकी जुबान में जहर होगा वही ऐसी बात बोलेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे जी, मैं तो उनकी उम्र का लिहाज करता हूँ, लेकिन एक राष्ट्रीय और ऐसी राष्ट्रीय पार्टी जो 125 साल से ज़्यादा पुरानी है, अगर इतनी हल्की भाषा बोलते हैं, इतनी गंदी भाषा बोलते हैं, तो मैं मान के चलता हूँ कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, उनको सबको माफ़ी मांगना चाहिए और खड़गे जी को अपनी जुबान के कारण से या तो उन पर आयु अधिकता हावी हो गई है कि इस प्रकार की हल्की भाषा बोल रहा है। मैं कठोर शब्दों में निंदा भी करता हूँ और उनकी भाषा की कीमत जनता उनको हरा के देगी। राहुल गांधी सर आज आए थे और उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र का सारा जो व्यापार है, यहाँ के प्रोजेक्ट है, वो गुजरात भेजे जा रहे हैं और राहुल गांधी को कोई गंभीरता से नहीं लेता है। राहुल गांधी 3 बार से ऐसी भाषा बोल बोल करके जनता के बीच उनकी सारी बातें ओपन हो गई है। जो मखमल में सोने चांदी की चम्मच खा बर्तनों का इस्तेमाल करके जनता की गाड़ी कमाइयों के आधार पर अपनी सत्ता में आते हैं, उनको जनता की समस्या से रूबरू होना भी नहीं आता। और राहुल गांधी हो, उनकी माता सोनिया गांधी हो, इनकी 5 पीढ़ी से देश में राज रहा है, लेकिन देश ने उसकी कीमत चुकाई है। देश नीचे तक पहुँच गया था, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था से 4थी अर्थव्यवस्था में अगर भारत पहुंच रहा है, अपनी एक महाशक्ति बनाकर दुनिया के सामने दिख रहा है, तो इनकी जमीन खसक रही है। इसीलिए ये हल्के हथकंडे पे आए, जनता सब जानती है। जब 3री बार सरकार बनी माननीय मोदी जी की, इसके बाद तो कुछ बचा नहीं। और लोकतंत्र में सबसे बड़ा पैमाना ये है, हमने अगर जनता का जनादेश पाया है इसका मतलब है कि जनता भाजपा के साथ है, माननीय मोदी जी के साथ। उद्धव जी ने जो कदम उठाया 2019 में गद्दारी का, और कांग्रेस के साथ जब मिले, बाला साहब ठाकरे जी की आत्मा ऊपर से उनको भी बद्दुआ दे रही है। जिस कुमार्ग पे आधार पर ठाकरे जी ने हमेशा जिसको हिंदुत्व के मामले में दुश्मन माना है, केवल अपने स्वार्थ के कारण से, अपने निजी भाव स्वभाव से असंभव जैसा अगर मार्ग जो उद्धव जी ने उठाया था, यही कारण है कि आज उनकी विश्वसनीयता खतरे में पड़ गई है। जनता उनके हाथ से फिसल चुकी है और वो अपनी हारी लड़ी लड़ रहे हैं।